तो आज हम लोग दैट इज जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में दैट इज जो थर्ड पार्ट है दैट इज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमने कल दो पार्ट्स कवर अप किया था, आज हम लोग का दैट इज थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है, आपको मेन कौन से वैल्यूज याद रखने हैं वो मैं आपको पूरा बता दूंगा, लेकिन पहले टेबल बनाते कैसे वो जस्ट आप जरा देख के रखना। यहाँ पे रहेगा सारे एंगल्स इस तरफ, यहाँ पे होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड यहाँ पे होगा 90 डिग्री। इधर हम लोग दैट इज सारे जो रेशियोस है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सीकेंट एंड यहाँ पे साइन का उल्टा आएगा कोसेकेंट थीटा। सबसे फर्स्ट क्या बेसिक है कि हम लोग साइन थीटा कैसे निकालते हैं, सो इट इज वेरी सिंपल। हम लोग जो हमारा 4 है यहाँ पे दैट इज टोटल, यहाँ पे 0 से लेके 4 पार्ट, टोटल 5 पार्ट है, इसको डिवाइड करेंगे 0, 1, 2, 3 एंड इधर क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके सबसे पहले 0 के लिए इधर आ जाएगा दैट इज 0 अपॉन 4, विच क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 यहाँ पे आएगा 0। नेक्स्ट इधर आएगा 1 अपॉन क्या है 4, 1 का स्क्वायर रूट कितना है 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या है 2, इधर आएगा 1 अपॉन रूट 2, नेक्स्ट इज 3 अपॉन 4, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं तो यहाँ पे आएगा रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना दैट इज 2। नेक्स्ट 90 के लिए यहाँ पे आएगा 4 अपॉन क्या होगा 4, विच क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा दैट इज 1। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट कैसे करना है समझा रहेगा, जस्ट अगेन डू इट, जस्ट ध्यान से देखना या फिर जस्ट को ये करता हूं। ओके जस्ट इसको वापस बताता हूँ, जस्ट इसको ब्लू से बता, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहने वाला दैट इज 0, ये कैसे आया 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 2, ये तो कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 1 का तो क्या रहेगा 1, 2 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं तो क्या आएगा रूट 2, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 2 एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 1। अब ये हमने पिछले साल किया था, जो कॉस थीटा रहता है वो क्या रहता है साइन का क्या रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, तो दैट इज अगर लेट से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला मुझे चाहिए 30, कॉस 30 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस यहाँ पे होगा 60, तो ये किसके बराबर रहेगा साइन ऑफ 30 डिग्री के क्या रहने वाला है बराबर। तो इसका क्या मतलब है कि कॉस 30, सॉरी मेरे गलती, यहाँ पे 30 आएगा तो ये हो जाएगा 60। इसका क्या मतलब है कि कॉस 30 और जो साइन 60 है इन दोनों का वैल्यूज क्या रहेगा सेम रहेगा। एक और बार कॉस 30, वैसे आपको लेट से आपको बोला गया कॉस 60 का वैल्यू क्या रहेगा, तो क्वाइट सिंपल होगा, यहाँ पे 90 माइनस क्या होगा 60 और ये किसके बराबर रहेगा दैट इज साइन ऑफ 30 के क्या रहेगा बराबर। वैसे आपको बोला है कॉस ऑफ 90 का क्या रहेगा वैल्यू, तो ये होगा साइन ऑफ 90 माइनस 90 विच इज किसके बराबर रहेगा साइन ऑफ 0 के। तो क्या मतलब है, तो अभी हम लोग करते कॉस ऑफ 0, इसके लिए क्या करेंगे साइन ऑफ 90 माइनस 0 किसके बराबर रहेगा साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1। कॉस 30, कॉस 30 क्या रहेगा साइन ऑफ 90 माइनस 30 विच इज कितना होगा साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 का वैल्यू कितना है रूट 3 अपॉन क्या है 2। नेक्स्ट इज कॉस 45, कॉस ऑफ 45 क्या रहेगा साइन ऑफ 90 माइनस 45 विच इज साइन 45, ये कितना रहेगा 1 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट है कॉस 60, कॉस 60 कितना रहेगा साइन ऑफ 90 माइनस 60 विच इज कितना होगा साइन 30 के बराबर, तो साइन 30 कितना था दैट इज हाफ।
90 क्या रहेगा, दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस क्या होगा, जीरो, सॉरी मेरा 90 माइनस 90 होगा, विच इज किसके बराबर रहेगा, साइन ऑफ जीरो. साइन ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, दैट इज जीरो. नेक्स्ट टैन थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे वो साइड में ये लिख के रखना, ये नीचे का जस्ट आपको समझाने के लिए, आप बस ये जो पार्ट से वो लिख के रख देना. फिर अभी नेक्स्ट आते, दैट इज किसके लिए बोला गया, टैन के लिए. तो टैन थीटा के लिए आप बस क्या करोगे, यहाँ पे साइन थीटा को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा से. तो 0/1 कितना होगा, जीरो. यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, इधर आएगा 1/ क्या होगा, √3. यहाँ पे 1/√2, 1/√2 क्या होगा, कैंसिल, ये आ जाएगा 1. यहाँ पे 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल, ये हो जाएगा √3/1, विच इज क्या होगा, √3. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज 1/0. अब यहाँ पे 0 के टेबल में 1 कभी आता है नहीं है, तो ये क्या रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगा ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आएगा. ओके, अब आते कॉट टीटा के लिए. तो कॉट टीटा क्या रहेगा, टैन का रेसिप्रोकल होगा. रेसिप्रोकल मतलब क्या, तो ध्यान देना, कॉट ऑफ जीरो क्या होगा, 1/tan of 0, विच इज 1/0. 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. यहाँ पे होगा tan 30 का रेसिप्रोकल, मतलब √3/ क्या होगा, 1. यहाँ पे होगा 1/1, विच इज 1. यहाँ पे होगा √3 का क्या होगा, रेसिप्रोकल, विच इज क्या, 1/, यहाँ पे आएगा √3. यहाँ पे क्या था, इट वॉज 1/ क्या था, 0. यहाँ पे भी क्या रहेगा, 1/ क्या होगा, 0. तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दैट इज 0/ क्या बनेगा, 1. अब 1 के टेबल में 0 कितने टाइम्स आता है, 0 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ये क्या रहने वाला है, 0. नेक्स्ट सेम चीज सीकेंड के लिए भी. सीकेंड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल्स निकालेंगे. सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1/1 तो क्या होगा, 1. यहाँ पे हो जाएगा 2/, इधर आएगा √3. यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज √2/ क्या होगा, 1. 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1. वैसे यहाँ पे 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/ क्या होगा, 0. तो 1/0 अगेन आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ कॉट टीटा, ये था दैट वॉज 1/tan θ. वैसे यहाँ पे सीकेंट टीटा जो है इट इज क्या, 1/, यहाँ पे आएगा कॉस टीटा. सेम गोज ओवर हियर, कोसेकेंट टीटा क्या रहेगा, साइन का रेसिप्रोकल. तो यहाँ पे क्या था, इट वॉज 0/1 था, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 1/, इधर बन जाएगा 0. तो 1/0 इसके बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यह आ जाएगा 1/ क्या होगा, 0. सेम चीज इधर, 1/2 का रेसिप्रोकल ये बन जाएगा 2/1, विच इज 2. सेम चीज √2/1 ये बन जाएगा √2. √3/2 ये बन जाएगा 2/ क्या बन जाएगा, √3. और यहाँ पे तो 1/1 है, 1/1 ये तो क्या हो रहेगा. ओके, अब इसमें से मेन आपको कौन सा याद रखना है वो मैं आपको पहले बता के रख रहा हूं. आपको मेन याद रखना है ये सारे वैल्यूज. ये 9 वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें भी अगर आपको बोला ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इज दिस. तो एटलीस्ट ये 3 तो आप डायरेक्टली बायट करके रखना, क्योंकि ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं बायट करने, ये सभी आपको दैट इज 5.3 एक्सरसाइज में भी वापस आता है. फिर ये वाला वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सेकेंड चैप्टर में आ जाएगा, किधर, दैट इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज, हाफ द हाइपोटेन्यूज. साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज, 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2. तो ये 2 वैल्यूज तो आपको अच्छे से याद ही रहना चाहिए. जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के लिए जस्ट एक कॉस का भी याद रखना, जैसे मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टैन का वैल्यू याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें टैन से हमारा काम हो जाता है. लेकिन स्टिल फॉर सेफर साइड
साइन का याद रखा तो हम लोग क्या कर सकते, दैट इज हम लोग को सेकेंड चैप्टर में फायदा ही होगा। एंड जस्ट ये चैप्टर के लिए बस एक कॉस थीटा का भी तीन वैल्यूज जस्ट याद रखना। अगर आपने ये याद किया तो कोसेकेंट तो वैसे ही हो जाएगा, कॉस याद किया तो सेकेंट याद हो जाएगा, टैन याद किया तो आपसे कॉट याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स चालू करने के पहले अभी तो ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक के जो सम्स है वो तो क्वाइट ईजी है, मोस्टली आपसे हो जाएगा। लेकिन मेरे को जब सम सिखाने के पहले जस्ट आपको थोड़ा बेसिक्स करना है, स्पेसिफिकली आपको डायग्राम्स बनाने को सिखाना है, दैट इज टू डिमेंशनल। ओके, मेन क्या क्या है, दैट इज ये टू डिमेंशनल डायग्राम्स में पहले चीज तो सबसे पहले अगर आपको देखा शिप, प्लेन या कोई भी ऐसा जगह के बारे में बताया गया, ठीक है, कोई भी प्लेस वगैरह, एयरपोर्ट जैसे कि, ठीक है, ये सबको आप किससे बताओगे, ये सबको इंडिकेट करोगे आप सिर्फ एक पॉइंट से इंडिकेट करोगे, कोई भी शिप, प्लेन या कुछ भी रहेगा, इसको इंडिकेट किससे करना है, एक पॉइंट से। अगर लेट से बोला गया एक टावर, फ्लैग या आपको बोला गया बिल्डिंग, ट्री वगैरह कुछ भी बोला रहेगा, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक स्ट्रेट लाइन से क्या करना आपको रिप्रेजेंट करना है। ये बेसिक चीज है जो आपको बता रहा हूं, जस्ट ध्यान से एक करके रखना। नेक्स्ट अगर आ गया रोड, रोड के बाद नेक्स्ट इधर इवन हाउस भी आएगा, इवन हाउस भी कंसिडर करना। फिर इसके बाद रोड आया, ब्रिज, रिवर आया या लेक, तो इसको आप कैसे बनाओगे, इसको आप बनाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, इसको आपको बताना क्या है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट से बताना है। कोई टावर वगैरह रहेगा तो इसको एक वर्टिकल सेगमेंट से बताना है। हाँ, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मेन मालूम रहना चाहिए। कोई भी शेप, प्लेन, प्लेस या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, पर्सन कोई भी रहेगा, उसको आप पॉइंट से बताओगे। अब जाते हैं इस पे कौन कौन से डायग्राम्स मेन है वो मैं आपको बता के रख रहा हूं। ज्यादा करके आप 90% जो सम्स देखेंगे इसे मोस्टली क्या होगा, एक ट्रायंगल ज्यादा करके क्या होगा, फॉर्म होगा। इसमें ये पार्ट को क्या लेते हैं, टीटा, ये रहता है ऑपोजिट साइड, ये रहेगा एडजेसेंट साइड और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली कोई कोई सम्स में क्या बनता है, ट्रपीजियम बनता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल आपको देता हूं यहाँ पे, ओके, ऐसे टाइप का डायग्राम बनता है कोई कोई साम्स में, इसको हम लोग ट्रपीजियम करके भी बोलते हैं। ओके, इधर सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जो नीचे का पार्ट रहेगा ये क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है हमें इस पे इंटरेस्ट रहता है, ये पार्ट को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक्स है जो आपको पता रहना चाहिए, ये जो एक्स रहेगा, जो भी वैल्यू वगैरह कुछ भी दिया रहेगा, ये किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। लेट्स से ये वाई दिया है तो इसका साइड वाला वैल्यू भी कितना होगा, वाई रहेगा। ये सबसे मेन है। सॉल्विंग आप कहाँ करोगे, ये ऊपर के पार्ट पे आपको सॉल्विंग करना है, ठीक है, ये सबसे मेन है। सॉल्विंग करना है तो आप कहाँ पे करोगे, ऊपर के पार्ट पे सॉल्व करोगे। ये नीचे का पार्ट सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को इनपुट और प्लॉट करने में क्या करता है, हेल्प। फिर एक दूसरा डायग्राम है, तो दूसरा डायग्राम क्या है तो ध्यान देना, दैट इज कभी कभी क्या फॉर्म होता है, ऐसे दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये बहुत हार्डली आता है लेकिन स्टिल आपको बता के रख रहा हूं। तो ऐसे टाइप के कभी डायग्राम्स आपको आ गए, ठीक है, जिनका हाइट क्या बोला गया, सेम एक पर्सन इधर से देख रहा है, बोला है। ओके, तो ध्यान से देखना, सबसे फर्स्ट यहां से यहां तक ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लेंगे, एक्स, यहां से यहां ऐसा वैल्यूज आपको दिया रहेगा मोस्टली एग्जाम में, तो यहां से यहां वैल्यू कितना रहेगा, वाई, ये एच रहेगा तो यहाँ पे ये भी क्या रहेगा, एच। ओके, ध्यान देना आप कौन सा मेन, अभी ट्रायंगल लेट से मैंने तो लिखा ए बी और यहाँ पे लिखा सी, सिमिलरली यहाँ पे आएगा डी और यहाँ पे आएगा ई। अब सॉल्व करते हो आप कौन से दो ट्रायंगल्स को लोगे, सबसे पहले आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, कहा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, सबसे पहला प्रायोरिटी आप किसको दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सबसे पहला सिलेक्शन में ये हेल्प करेगा।
राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड, ऐसा ट्रायंगल को सेलेक्ट करना जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, कॉमन साइड। कॉमन साइड मतलब एक और एक हो सकता है, दैट इज सेम वैल्यू होगा, और उस पे बेस्ड आप क्या करोगे, इन दोनों पे बेस्ड आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना है, सेलेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, एबीसी लोगे, और दूसरा ट्रायंगल क्या रहेगा, एडीई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लोगे, ऑपोजिट, ये कोई, इसको तो हम लोग को टीटा ही लेना एज यूजुअल, तो क्या आएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन क्या आएगा, एडजेसेंट साइड, मतलब आपको क्या लेना है, टैन टीटा लेके ही सॉल्व करना है। वैसे एक और एक टाइप का डायग्राम बनता है, वो भी आपको बता रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे इधर एक और एक ट्रायंगल बन गया, लेट्स सी द नाम है ए बी सी, और यहाँ पे है डी। इसको क्या लेंगे हम लोग, एक्स, यहां से यहां इसको क्या लेंगे, वाई, इसको क्या लेंगे, दैट इज जेड। ये तो ऑफकोर्स कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो आपको राइट एंगल वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, तो पहला कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे, ए सी डी, एंड दूसरा कौन सा सेलेक्ट करोगे, ट्रायंगल ए बी डी। ये दो ट्रायंगल्स आप सेलेक्ट करोगे। अब आते सबसे मेन पे, तो सबसे मेन पार्ट क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, क्या दिया है, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आपको दे के रखा है, क्या यूज करोगे, टैन टीटा यूज करना है। ठीक है, तो ये चीजों का जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये टाइप का ऐसा ट्रायंगल्स फॉर्म हुआ तो ज्यादा टेंशन मत लेना। फिर आते एक नेक्स्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अभी एलिवेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे लेट्स एक पर्सन है, हमेशा जब भी आप एंगल्स बनाओगे तो आपको हमेशा क्या बनाना रहता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का रहता है। जैसे मैंने इस केस में ऑलरेडी बना दिया है, अब यहाँ पे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया, कितना डिग्री है बोला गया, दैट इज 30 डिग्री है बोला है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये पर्सन हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री ऊपर देख रहा है, 30 डिग्री कहां पे देख रहा है, ऊपर। वैसे अगर लेट से आपको बोला गया एंगल ऑफ यहां पे क्या रहेगा, दैट इज डिप्रेशन, लेट से बोला गया दैट इज 30 डिग्री, मतलब बंदा कहां से कहां देख रहा है, ऊपर से कहां पे देख रहा है, नीचे। तो ये एक पॉइंट बना दिया पर्सन के लिए, क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, ये बना दिया। अब कितना दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री है, और यहाँ पे बना दिया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, न्यूमेरिकल से। ओके, अब आते हैं दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, पर्सन जो है उसको हम लोग किसे बताते हैं, पॉइंट से, पी करके लिखते हैं। स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, ठीक है, चर्च क्या रहेगा, एक बिल्डिंग रहने वाला है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक वर्टिकल जो बना दिया। अब यहाँ पे चर्च से कितना दूर है बोला गया, 80 मीटर्स क्या है, दूर। तो यहाँ पे जो है इसे कितना मीटर दूर है बोला गया, 80 मीटर। चर्च जो है इसको हम लोग सी से निकालेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना, 45 डिग्री, मतलब पर्सन यहां से इसके टॉप पे देख रहा बोला है। तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग 45 डिग्री। यहाँ पे टॉप है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। फाइंड द हाइट ऑफ क्या बोला गया, चर्च, मतलब ये टी सी आपको ढूंढ के निकालना। ओके, सबसे पहले आप बेसिक चीजें बता के रखो, तो सबसे बेसिक क्या है, दैट इज पीसी डिस्टेंस ऑफ क्या है, पर्सन फ्रॉम क्या आएगा, चर्च, यहां पे एंगल पी, ये क्या रहेगा, टीटा, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल ऑफ क्या होगा, एलिवेशन। नेक्स्ट इज यहां पे आएगा टीसी, टीसी जो रहने वाला है
ये रहेगा हाइट ऑफ क्या होगा चर्च, इसको हम लोग क्या लेते, इसको इक्वल टू हम लोग लेंगे एच, एंगल ऑफ एलिवेशन ये इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे 45 डिग्री। ओके अब आते दैट इज नेक्स्ट पार्ट पे, सॉल्व करने का पार्ट। इन ट्रायंगल क्या आएगा ए बी सी, सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे इन ट्रायंगल यहाँ पे होगा टी पी सी, एंगल टी पी सी जो है इसको हमने क्या लिया है थीटा, विच इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। यहाँ पे हमें ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया है, हमें यूज करना चाहिए यहाँ पे टैन थीटा, तो यहाँ पे आएगा टैन थीटा इक्वल टू आएगा ऑपोजिट साइड अपॉन नीचे आएगा दैट इज एडजेसेंट क्या आने वाला है साइड। तो हमारे ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड जो है दैट इज यहाँ पे है टी सी, एडजेसेंट साइड कितना है पी सी, यहाँ पे होगा टैन ऑफ 45, टी सी कितना रहेगा एच, पी सी जो है ये कितना होगा 80, टैन ऑफ 45 क्या होगा 1, ये मल्टीप्लाई होगा किससे 80 से, तो हमारा जो एच है वो कितना मीटर है दैट इज 80 मीटर। तो बेसिकली हाइट ऑफ चर्च हमें मिल गया 80 मीटर। यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है हाइट ऑफ यहाँ पे होगा चर्च इस कितना 80 मीटर्स। ओके अब यहाँ पे बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, तो लाइट हाउस को हम लोग कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ओके इसके टॉप से ऑब्जर्वर को हम लोग किससे बताए, एक पॉइंट से बताए, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां से कितना डिग्री 60 डिग्री का आप दिख रहा है नीचे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल है ये कितना डिग्री दिया दैट इज 60 डिग्री दिया। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो यहाँ पे लाइट हाउस जो है इसको हम लोग क्या लेंगे एल, ये जो हाइट दिया है कितना दिया गया 90 मीटर्स दिया है। फाइंड आउट हाउ फार इज द शिप, शिप जो है इसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे एस से, इधर से लेके यहां तक जो दूरी है ये आपको ढूंढ के निकालना है, इसको हम लोग क्या लेंगे एक्स, या आप डी भी ले सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको सारे क्वांटिटीज मेंशन करने, टी एल ये क्या रहने वाला दैट इज हाइट ऑफ यहाँ पे होगा लाइट हाउस विच इज इक्वल टू 90 मीटर। नेक्स्ट इज एल एस, ये रहेगा डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम क्या होगा लाइट हाउस, उसको हमने लिया दैट इज एक्स मीटर्स। एंड नेक्स्ट अगर ये 60 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा विच इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल से, तो यहाँ पे आएगा एंगल टी एस एल ये इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। ओके इसको हम लोग ने क्या लिया, वी टेकन दिस एज थीटा। ओके आप ये तो 90 डिग्री रहेगा। अब स्टार्ट कैसे करना है, एज यूजुअल ट्रायंगल लिखना है, इन ट्रायंगल यहाँ पे होएगा टी एल एस, यहाँ पे एंगल टी एस एल इक्वल्स टू कितना डिग्री है 60 डिग्री, वापस यहाँ पे ऑपोजिट और क्या दिया एडजेसेंट दिया, तो वापस हमें यहाँ पे यूज करना है टैन थीटा, हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन यहाँ पे होगा एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज टी एल, एडजेसेंट साइड ये यहाँ पे क्या होगा एल एस। थीटा के बदले हमें यहाँ पे यूज करना कितना डिग्री रहेगा ये 60 डिग्री, ऑपोजिट साइड इसके बदले कितना डालेंगे 90, एडजेसेंट साइड इसके बदले यहाँ पे डालेंगे एक्स, टैन ऑफ 60 का वैल्यू ये बन जाएगा √3 इक्वल्स 90 अपॉन क्या होगा एक्स, एक्स और √3 का जगह पे चेंज करना है, एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा 90 अपॉन √3। रैशनल अपॉन इरेशनल कभी चलता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे √3। याद रखना जब एक इरेशनल नंबर नीचे आता है तो उसको रैशनलाइज करके हटा देना, तो यहाँ पे बन जाएगा 90 √3 अपॉन √3 इंटू √3 ये बन जाएगा 3, ये और ये पार्ट कैंसिल कितना आ रहा आंसर 30, तो x इक्वल्स यहाँ पे होगा 30 इंटू
रूट थ्री का वैल्यू 1.73 दी है, 30 इंटू 173 अपॉन क्या लिखना 100, 10 10 क्या होगा कैंसिल, एक्स इक्वल्स होगा 519 अपॉन क्या होगा 10, विच इज 51.9 क्या होगा मीटर्स। जब भी रूट थ्री का वैल्यू वगैरह दिया रहेगा तभी ये रूट थ्री को सब्स्टिट्यूट करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, उसको रूट थ्री रख के भी आप छोड़ सकते हो। ओके, दो बिल्डिंग्स है विच आर फेसिंग ईच अदर, ये हो गया हमारा फर्स्ट बिल्डिंग, ये हो गया हमारा सेकेंड बिल्डिंग, इनके बीच में क्या बोला गया, एक रोड है, कितने मीटर का बोला गया, दैट इज 12 मीटर का है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है बोला गया, दैट इज 60 डिग्री है बोला है। तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये कितना होगा, दैट इज 60 डिग्री, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा थीटा। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग बोला है, ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसका हाइट कितना दिया गया, 10 मीटर। मैंने जैसे बोला नीचे का रेक्टेंगल सिर्फ वैल्यूज को लिखने के लिए है, तो ये कितना होगा, दैट इज 10, ये 12 रहेगा तो ये भी कितना होगा, दैट इज 12 होगा। अभी सारे पॉइंट्स के नाम लिखते, यह जाएगा ए बी सी डी और इधर आएगा ई। आपको मेन जो है किससे मतलब रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रायंगल से आप सॉल्व करोगे, ट्रायंगल आपको यूज करना, तो पहली चीज तो सारी वैल्यूज आप लिख के रखना। हाइट चाहिए तो इसको हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे। सबसे पहले जो ई डी है या जाएगा हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, कितना मीटर दिया, 10 मीटर्स। नेक्स्ट इज यहाँ पे ए सी, ये है हाइट ऑफ क्या, दैट इज सेकेंड बिल्डिंग, विच इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस कितना रहेगा, 10 मीटर। नेक्स्ट डीसी जो रहेगा ये क्या रहने वाला है, विड्थ ऑफ क्या रहेगा, रोड, विच इज कितना है, 12 मीटर। ओके, यहां तक हो गया। नेक्स्ट इज यहाँ पे एंगल ए ई बी इक्वल्स टू कितना डिग्री है, 60 डिग्री, इसको क्या लेंगे हम लोग टीटा, या इसको हम लोग लेंगे एंगल ऑफ यहाँ पे होगा एलिवेशन। ओके, इधर तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, जैसे बोला ट्रायंगल को सॉल्व करना है, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे आएगा ए ई बी, एंगल ए ई बी ये कितना डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, इसको हम लोग क्या लेंगे टीटा लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे भी ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड से हमें मतलब है, तो वापस यहाँ पे क्या यूज होगा, टैन टीटा, विच इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड जो क्या रहेगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या रहेगा बी ई। ओके, ए बी कितना दिया गया, दैट इज एक्स, ये कितना दिया गया, दैट इज 12, यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज टैन ऑफ क्या होगा 60, ये टीटा हमारा 60 डिग्री था, टैन ऑफ 60 होता है रूट थ्री, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 12 से, किसके बराबर रहेगा x के बराबर, तो x इक्वल्स टू ए बन जाएगा 12√3 मीटर्स। अब ढूंढना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये क्या रहेगा, दैट इज AC जो किसका बना रहेगा AB प्लस किसका बना हुआ रहेगा BC, AB जो है 10 प्लस x का वैल्यू कितना आएगा 12√3। रैशनल और इरेशनल नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब इसको जबरदस्ती ऐड करके ऐसा 22√3 करके गलत मत करना, याद रखना रैशनल एंड इरेशनल नंबर को आप कभी ऐड नहीं कर सकते, तो इसको वैसे का वैसे ही रखना। ओके, नेक्स्ट में हमें दिया दो पोल्स, ठीक है, दो पोल्स दिया, एक 18 मीटर और दूसरा 7 मीटर, आपको एक बड़ा रहेगा और एक क्या रहेगा छोटा रहेगा, 18 मीटर और ये कितना है 7 मीटर द लेंथ, ठीक है, अभी ऑफ कोर्स इनके नीचे का पार्ट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, जरूरत नहीं लेकिन स्टिल ज्वाइन करना, ठीक है। अब क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द वायर 5
फास्टेंड एट द टॉप इज कितना है? बोला गया 22 मीटर्स। तो इन दोनों के टॉप के ऊपर क्या है? एक वायर। हमें क्या बोला है? फाइंड द एंगल मेड विथ द हॉरिजॉन्टल, मतलब बेसिकली हमें ये टीटा ढूंढ के निकालना है। अभी ध्यान से देखना, अगर ये 7 रहेगा तो ये भी कितना होएगा? 7 मीटर। ओके नेक्स्ट, अगर ये इधर से इधर 7 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आएगा? 11 मीटर आएगा, क्योंकि टोटल 18 है, उसका नीचे का पार्ट 7 है, तो इसका ऊपर का पार्ट कितना होगा? 11 होगा। दूसरा क्या बोला है? इसके टॉप पे एक वायर बांधा हुआ है, तो ये वायर का हाइट कितना रहेगा? 22 क्या रहने वाला है? मीटर। तो हमें बेसिकली यहाँ पे एंगल ढूंढ के निकालना। पहले सारे पार्ट्स के नाम लिखते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पे आएगा ई। ए सी जो है इसको हम लोग क्या लेंगे? हाइट ऑफ, यहाँ पे लेंगे फर्स्ट बिल्डिंग, विच इज कितना मीटर है? 18 मीटर। नेक्स्ट इज यहाँ पे आएगा डी, विच इज क्या है? हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, विच इज कितना मीटर है? 7 मीटर। नेक्स्ट इज यहाँ पे ये जो ए बी रहेगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या रहने वाला है? ए सी। तो वैसे हम लोग बोल सकते ए बी का वैल्यू ये कितना आएगा? 11 मीटर। बी सी का वैल्यू किसके बराबर रहेगा? डी ई के बराबर रहेगा, और ये कितना आएगा? दैट इज 7 मीटर। नेक्स्ट इज यहाँ पे ए ई, ए इज क्या? लेंथ ऑफ यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग, कितना मीटर दिया? दैट इज 22 क्या दिया है? मीटर्स। यहाँ पे एंगल ए ई बी इसको हमने क्या लिया है? थीटा, या हमें ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप ये ट्रायंगल नोटिस करोगे, ट्रायंगल को वापस जरा बना देता हूं, ये दिया आगे कितना है? 22 मीटर है, ये दिया दैट इज 11 मीटर है, यहाँ पे दिया गया कितना है? टीटा है। इधर आएगा ए बी और इधर आएगा सी। तो हमें क्या दिया है? ऑपोजिट और क्या दिया है? हाइपोटेन्यूस दिया है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस ये दोनों मिला के क्या बनाएगा? दैट इज साइन टीटा बनाएगा। तो इस बार हम लोग को साइन टीटा यूज करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए सी बी क्या है? टीटा, ये बताना है। यहाँ पे यूज क्या करेंगे? साइन टीटा, विच इज क्या रहेगा? ऑपोजिट साइड अपॉन इधर आने वाला दैट इज हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे रहेगा ए बी, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे होगा ए सी, विच इज आएगा 11 अपॉन यहाँ पे होगा 22, विच इज क्या होगा? 1 अपॉन क्या होगा? 2। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो गया? हाफ। अब आपको मालूम रहना चाहिए साइन 30 डिग्री जो है ये किसके बराबर रहता है? हाफ के बराबर रहता है। इसका मतलब हम लोग का टीटा जो है 30 डिग्री। नेक्स्ट में आके बोला है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम लोग के पास पहले चीज क्या बोला गया? एक ट्री है करके। अब क्या हो गया है? ये जो ट्री है ये हवा के वजह से बीच में से क्या हो गया? टूट गया है। और यही जो ऊपर का पार्ट जिसको मैं क्या ले रहा हूं वाई, यही टूट के कहां पे आ गया? जमीन पे आ गया। ये भी क्या रहेगा? वाई रहेगा। बोला क्या गया है कि ये जमीन पे एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? बोला इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसका जो टॉप है तो हम लोग क्या लेते हैं? टी। ये जो है बेस से कितना दूर है? बोला गया दैट इज 20 मीटर क्या है? दूर। हम लोग को पूरा हाइट ऑफ द ट्री ढूंढने बोला है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे एक्स लेंगे। ठीक, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे ई, इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे एफ। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? एज यू सबको बताना आपको, सबसे तो पहले बी एफ ये क्या रहेगा? दैट इज हाइट ऑफ, इधर आएगा दैट इज ट्री, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा वाई प्लस क्या होगा? एक्स, विच इज क्या रहेगा? एच। नेक्स्ट इज यहाँ पे
FE जो रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा y, और ये किसके बराबर है बताना है, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री ब्रोकन। नेक्स्ट इज BT, BT क्या रहेगा दैट इज 20 मीटर। इसका क्या मतलब है, टॉप ऑफ क्या है ट्री फ्रॉम द बेस, टॉप ऑफ द ट्री बेस से कितना दूर है, एंड इसका वैल्यू हमें दिया था कितना 20 मीटर्स। हमें क्या क्या ढूंढ के निकालना है, ये वाई ढूंढ के निकालना है और ये एक्स ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट रेशियोज को यूज करेंगे, एक में हमें ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया है मतलब एक्स और 20 मीटर दिया है तो टैन थीटा यूज करके एक्स निकालेंगे, दूसरे में हमें एडजेसेंट और क्या दिया है हाइपोटेन्यूस, वाई को हम लोग कैसे ढूंढेंगे कॉस थीटा यूज करके। तो इन ट्राइंगल यहाँ पे क्या आएगा दैट इज BAT, यहाँ पे एंगल BTE इक्वल टू कितना डिग्री दैट इज 60 डिग्री। ओके, सबसे पहले हमें ढूंढना है x, तो यहाँ पे हम लोग यूज करना है tan 60 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा ऑपोजिट अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा एडजेसेंट, तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या होगा BE, एडजेसेंट साइड यहाँ पे होगा BT। tan ऑफ 60 ये कितना होगा √3, BE का वैल्यू कितना था x, BT कितना दिया है 20, तो हमारा x यहाँ पे होगा 20√3 क्या होगा मीटर्स। वैसे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे cos 60 क्या ढूंढने के लिए y, विच इज क्या एडजेसेंट साइड अपॉन इधर होगा हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड कितना है दैट इज BT, हाइपोटेन्यूस कितना है दैट इज TE, cos 60 ये कितना होता है हाफ, तो यहाँ पे BT जो है ये कितना आएगा दैट इज 20, TE जो है ये कितना होगा दैट इज y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 220 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 40 मीटर्स। हमें पूरा हाइट ऑफ द ट्री चाहिए तो H ये था दैट इज FB, कौन से दो चीज का बना है FE प्लस किसका बना है BE का, तो यहाँ पे आएगा x प्लस क्या होगा y, x कितना था दैट इज 20√3, y कितना था दैट इज 40। रैशनल इरेशनल नंबर को जबरदस्ती ऐड मत करना, यही हमारा क्या रहने वाला है फाइनल आंसर रहेगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया अ काइट इज फ्लाइंग, एक काइट है किसे रिप्रेजेंट करते कितने हाइट ऊपर है बोला गया, दैट इज ये काइट जो है जमीन से दैट इज कितना मीटर हाइट पे 60 मीटर के, अ स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, तो एक काइट से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है एंड कितना एंगल बना रहा है बोला गया इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो यहाँ पे एंगल कितना है 60। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या नाम देते ए, यहाँ पे नाम क्या आएगा बी, फिर नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू सब लिखते के ए जो रहेगा यह आएगा हाइट ऑफ क्या होगा काइट विच इज इक्वल टू कितना मीटर दिया 60 मीटर, के बी जो रहेगा यह आएगा लेंथ ऑफ क्या होगा स्ट्रिंग, ठीक है इसको हम लोग क्या लेते हैं एक्स जो हमें ढूंढना है, तो इसको इक्वल टू हमने क्या लिया एक्स, एंगल के बी ए इक्वल टू कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये। ओके अब आते नेक्स्ट पार्ट पे, अब इधर कौन सा क्वांटिटी हमें यूज करना है, ऑपोजिट साइड एंड क्या दिया यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, तो हम लोग इन ट्राइंगल यहाँ पे के बी ए एंगल के बी ए इक्वल्स टू यहाँ पे कितना डिग्री होने वाला है 60 डिग्री, इसको हमने क्या लिया यहाँ पे थीटा, अप्लाई क्या करेंगे हम लोग साइन थीटा अप्लाई करेंगे विच इज ऑपोजिट साइड अपॉन यहाँ पे रहेगा हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या रहेगा के ए, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या रहेगा के बी, ये हो जाएगा साइन ऑफ 60, के ए जो है यहाँ पे है 60 मीटर्स और जो के बी है उसको हमने क्या लिया है एक्स,
क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उसके पहले साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, यहाँ पे होगा 60 अपॉन यहाँ पे होगा x, करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे होगा 60 इंटू क्या होगा 2 अपॉन नीचे क्या होगा √3। इरेशनल नंबर नीचे आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या करेंगे √3, ये बन जाएगा 120 अपॉन √3/3, ये बन जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे बन जाएगा √3। 3 और ये पार्ट कैंसिल आउट होकर कितना होगा 40, तो हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ पे होगा 40√3 क्या रहने वाला है, मीटर्स। अब आते हैं कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की ओर। टू फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर, अ मैन ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द टावर ऑन द ऑपोजिट बैंक। तो यहां पे एक रिवर है, मैन ऑब्जर्व क्या बोला गया, दैट इज टॉप ऑफ द टावर ऑपोजिट बैंक में खड़े रह के। तो जस्ट एक सेकेंड, मैं डायग्राम को जरा दूसरी साइड बना देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर है, तो टावर कहाँ पे बोला गया, बैंक के ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे ये जो है यह आएगा टी, यह आएगा ए, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया, मतलब जमीन के साथ यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है, दैट इज कितना 61 डिग्री बन रहा है। ओके, ही मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड्स। तो ये जो पर्सन है ये जाता है 50 मीटर कहाँ पे जाता है, पीछे। पहले कहाँ पे था, बी पे था, अब ये कहाँ पे रहेगा, सी, क्योंकि पानी के ऊपर तो चल नहीं सकता है। ये तो क्या था, विड्थ ऑफ क्या था, रिवर था। ही मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड एंड अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बन जाता है, दैट इज 35 डिग्री। याद रखना, आप जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट से दूर जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कम होता है। आप कभी भी कोई चीज के पास जाते हो तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ जाते हैं। चाहे तो आप नोट जैसा लिख सकते हो, क्लोजर टू ऑब्जेक्ट जाते हो टीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट जा रहे हो सो टीटा क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर, और देख भी रहा है यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेना है एंड इसमें जो कॉमन पार्ट है, कौन है कॉमन पार्ट दोनों, या कॉमन साइड दोनों में है 80, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था वो पार्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे तो पहले हम लोग सब मेंशन करके रखें क्या क्या है, एक एक चीज। बी ए जो रहेगा ये आएगा विड्थ ऑफ यहाँ पे होगा रिवर, और ये कितना दिया है, डब्ल्यू। नेक्स्ट बी सी जो है ये कितना दिया गया, 50 मीटर। ए टी जो है ये क्या है, हाइट ऑफ क्या है, टावर, उसको हमने लिया क्या है, एच। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल टी सी ए ये कितना डिग्री, दैट इज 35 डिग्री। एंगल टी बी ए ये कितना डिग्री, दैट इज 61 डिग्री। ओके, अब ये सारी चीजें आपको दिए गए। अब यहाँ पे ट्रायंगल सिलेक्शन किसको लेना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ये सब सिखाया है तो बेसिक्स जो मैंने इसके पहले सिखाया था वो जस्ट एक बार गो थ्रू करो। तो हमने यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स लेंगे, एक लेंगे इन ट्रायंगल टी सी ए एंड दूसरा यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे टी बी ए, क्योंकि यहाँ पे दो राइट एंगल्स बन रहा है। यहाँ पे एंगल टी सी ए इक्वल्स टू कितना दिया, 35 डिग्री, इसको ही हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले, टीटा। क्या यूज करना पड़ेगा, देखो एच दिया है और एडजेसेंट साइड दिया है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टैन टीटा, विच इज यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट इज ऑपोजिट अपॉन यहाँ पे होगा एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे होगा टैन ऑफ 35 डिग्री। ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या रहेगा, टी ए, एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या होगा, ए सी। टैन ऑफ 35 का हमें वैल्यू दिया है, दैट इज 0.7। टी ए का वैल्यू कितना दिया गया हमें, एच। ए सी जो है ए सी का वैल्यू कितना आएगा, डब्ल्यू
प्लस इधर कितना होगा, दैट इज 50। नेक्स्ट एच इक्वल्स इधर होगा 0.7, ये मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू और किसके साथ, प्लस 50 के साथ। इसका हम लोग इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 1। वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे एंगल टी बी ए इक्वल टू कितना डिग्री है, 61 डिग्री। इसका हम लोग क्या लेंगे, टीटा। वापस यहाँ पे टैन टीटा ये आएगा ऑपोजिट अपॉन यहाँ पे होगा एडजेसेंट, तो यहाँ पे आएगा टैन ऑफ कितना डिग्री आएगा, 61। ऑपोजिट यहाँ पे होगा 80, एडजेसेंट यहाँ पे होगा AB, टैन ऑफ 61। तो टैन ऑफ 61 यहाँ पे होगा 1.8, 80 80 के बदले यहाँ पे होगा H, AB AB के बदले यहाँ पे होगा W। H इक्वल्स ये होएगा 1.8 क्या होगा, W। इसका हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे फ्रॉम क्या बोलेंगे, 1, एंड क्या बोलेंगे, 2। यहाँ पे होगा 1.8W, ये हो जाएगा 0.7 × W, प्लस इधर कितना होगा, 50। 0.7 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो यहाँ पे 0.7W और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 0.7 × क्या होगा, 50। 1.8W प्लस इधर गया तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 7 अपॉन क्या होगा, 10 × यहाँ पे होगा 50। 0 0 क्या होगा, कैंसिल। अब इन दोनों को हम लोग सप्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 1.8 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 0.7, तो ये बन जाएगा 1.1W। 7 × ये कितना बन जाएगा, 35। हमें W ढूंढ के निकालना है, ये बन जाएगा 35 अपॉन क्या होगा, 1.1। ये बन जाएगा 35 × यहाँ पे होगा 10 अपॉन यहाँ पे होगा 11, विच इज 350 अपॉन क्या होगा, 11। तो हमें यहाँ पे 350 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। 11 3 जा 33, ये बन जाएगा 20। 11 कितना सर आएगा, दैट इज 1 जा ये बन जाएगा 11, 9 द डेसिमल पॉइंट इधर 0 देगा 90, कितना आएगा ये, 8 टाइम्स आएगा। तो हमारा आंसर जो आ रहा है, इट इज कमिंग एज 31.8 क्या आ रहा है, मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते, रोशनी सॉ एन ईगल एट द टॉप ऑफ अ ट्री। तो लेट से ईगल यहाँ पे है, ये ट्री के कहाँ पे बोला गया, ऊपर, ये हो गया। एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 61 डिग्री, तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। रोशनी लाइट से यहां पे खड़ी है और यहां से वो ईगल को तरफ देख रही है, ये जो एंगल बना रही है यहां पे, ये कितना, दैट इज 61 डिग्री। नेक्स्ट इज शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द, तो डोर पे खड़ी थी। शी वेंट टू द टेरिस ऑफ द हाउस, हाउस को कैसे बनाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी पता है, एक स्ट्रेट लाइन बताना है। अब ये इधर से देख रही है, इधर से यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाया, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ये यहाँ पे बना रहा है, दैट इज 52 डिग्री बना रहा है। ओके, तो क्या क्या दिया हमें, द हाइट ऑफ द टेरेस वॉज 4 मीटर, तो यहाँ पे ये जो टेरेस है ये जमीन से कितना हाइट पे, 4 मीटर। नीचे का रेक्टेंगल का सिर्फ एक ही एक काम है, दैट इज वो डिमेंशन बताने के लिए। ये जो पार्ट है इसको एक्स लिया, तो ये पार्ट भी क्या होगा, एक्स। एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वॉज द ईगल, हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, ये जो पार्ट है ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे वाई। ओके, अब यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है, दो राइट एंगल्स फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हाइट ऑफ ये बन जाएगा ट्री, विच इज क्या रहेगा, वाई प्लस क्या रहेगा, 4 मीटर। टी आर ये क्या रहेगा, दैट इज हाइट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, टेरेस, कितना मीटर है, दैट इज 4 मीटर।
एंगल ई टी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी तो ऑलरेडी हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग बी लेते, हाइट ऑफ ट्री को ई बी लिखे, तो एंगल जो है दैट इज ई टी, और इधर क्या लिखते हैं दैट इज ए, ये कितना डिग्री है, 52 डिग्री. एंगल ई आर बी, ये कितना डिग्री, दैट इज 61. यहाँ पे टी ए किसके बराबर है, आर बी, और ये दो किसके बराबर रहेगा, एक्स के बराबर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये दोनों पार्ट्स क्या रहेगा, इक्वल. ठीक, यहां तक हमने सब लिख लिया, क्लियरली दिख रहा हम लोग को, ये छोटे दो ट्राइंगल्स लेना पड़ेगा, राइट एंगल इन ट्राइंगल, यहाँ पे होगा टी ई ए, एंड दूसरा यहाँ पे रहेगा इन ट्राइंगल ई आर, और यहाँ पे होगा बी. ओके, ये दोनों चीज हमने किया. सबसे पहले क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या दिया गया है, टी ई ए में एडजस्टेंट एंड ऑपोजिट दिया है, तो क्या यूज करना है हमें, टैन टीटा यूज करना है, क्योंकि टैन टीटा में ये दो क्वांटिटीज हमें मिलता है. ओके, इसका कुछ जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये क्यों लिया नहीं करके, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है, ये हमें पूछा भी नहीं क्वेश्चन में किधर, तो इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे. ओके, टी ए में एंगल क्या, दैट इज ई टी ए, कितना डिग्री, दैट इज 52 डिग्री दिया आपको. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे टैन ऑफ इधर कितना होगा, 52, ऑपोजिट साइड जो रहेगा वो छोटे ट्रायंगल में क्या रहेगा, ई ए अपॉन एडजेसेंट साइड यहाँ पे रहेगा टी ए, टैन ऑफ 52 क्वेश्चन में दिया है 1.28, ई ए का वैल्यू ये कितना दिया है, वाई अपॉन यहाँ पे क्या होगा, एक्स, तो यहाँ पे 1.28x ये किसके बराबर रहेगा, y के बराबर, या के इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1. नेक्स्ट हमें बड़े ट्रायंगल में यहाँ पे भी क्या दिया, अगर देखोगे ये वाला पार्ट दिया है ऑपोजिट और ये वाला पार्ट दिया है एडजेसेंट, तो यहाँ पे भी वापस क्या यूज होगा, टैन टीटा, जो क्या आएगा ऑपोजिट अपॉन यहाँ पे होगा एडजेसेंट. एंगल ई आर बी ये कितना डिग्री होगा, दैट इज 61 डिग्री होगा, यहाँ पे यूज करेंगे टैन ऑफ 61, टैन ऑफ 61 जो यहाँ पे आएगा ऑपोजिट साइड ये आएगा ई बी, एडजेसेंट साइड यहाँ पे होगा आर बी, टैन ऑफ 61 जो है ये कितना है, 1.80, ई बी, ई बी जो है ये कितना हमने लिया था, वाई प्लस क्या लिया था, 4, आर बी जो लिया था क्या था, एक्स, इधर आएगा 1.80 एक्स इक्वल्स वाई प्लस 4, इसको हमने क्या लिया था, इक्वेशन नंबर 2. 1 और 2 से क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमें करना क्या है, वाई के बदले सब्स्टिट्यूट करना है, 1.28x प्लस यहाँ पे होगा 4 प्लस इधर गया तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके कितना होगा 10, ये कितना होगा 2, ये होगा 7, 7 माइनस ये कितना आएगा, दैट इज 5. ठीक, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, तो ये बन जाएगा 0.52x इक्वल्स टू कितना होगा, 4, x इक्वल्स यहाँ पे होगा 4 अपॉन 0. यहाँ पे क्या होगा, 52. डेसिमल हटाने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100, नीचे क्या आएगा, 52, तो यहाँ पे 4 और ये कैंसिल आउट होकर कितना होगा, 13, तो यहाँ पे होगा 100 अपॉन क्या होगा, 13. इसको जरा डिवाइड करके देख लेना कितना आता है, फिर आपको y का वैल्यू ढूंढना है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू इधर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट, और जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1.28. फिर जो फाइनल आंसर है क्या करेंगे हम लोग, जो y का वैल्यू आएगा उसको हम लोग 4 जब ऐड करेंगे तब जाके हमें क्या आएगा, हाइट ऑफ क्या मिलेगा, ट्री. तो वो पार्ट जरा खुद से जरा ट्राई करना करने के लिए. नेक्स्ट में, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम. ठीक, तो यहाँ पे एक लैडर है, उसको हम लोग कितना 70 डिग्री तक उसको मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं बोला गया, एलिवेट कर सकते हैं बोला गया 70 डिग्री. फिर आगे, द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू क्या बोला गया, 20 मीटर. तो ये लैडर को हम लोग 20 मीटर क्या कर सकते हैं बोला गया, एक्सटेंड. तो ये जो लैडर है
किसके ऊपर है? बोला कि एक प्लेटफॉर्म जो कितना 2 मीटर क्या है ऊपर। फाइंड द हाइट ऑफ द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। तो हमें ये हाइट ढूंढ के निकालना है, कहां से इधर से लेके यहां ओके। तो यहां पे अगर ये 2 मीटर रहेगा, ये भी क्या होगा 2 मीटर। इसको हम लोग क्या लेंगे एच। सारे पॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ए सी ये रहेगा मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय, यहाँ पे आएगा लैडर। इसको इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे एच प्लस क्या लेंगे 2 मीटर। नेक्स्ट है एई, ये रहेगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्या रहेगा लैडर, विच इज इक्वल टू कितना दिया है 20 मीटर्स। ई डी जो है ये है हाइट ऑफ यहां पे रहेगा दैट इज प्लेटफॉर्म, कितना दैट इज 2 मीटर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल ए ई बी इक्वल्स टू कितना डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले चीज क्लियरली आपको दिख रहा है, हमेशा ट्रायंगल को ही सेलेक्ट करना रहता है हमें। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ई बी। ओके, अब इस केस में सबसे फर्स्ट एंगल ए ई बी ये हमारा क्या रहेगा टीटा, और कितना डिग्री हमें दिया है 70 डिग्री दिया। ओके, सबसे पहले क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कौन सा रेशियो दिखना है, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ कितना डिग्री होगा 70। ऑपोजिट साइड क्या ए बी, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या रहेगा ए। ओके, साइन ऑफ 70 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.94। ए बी जो दिया है एच, ए कितना दिया है 20। एच इक्वल्स यहाँ पे होगा 0.94, ये मल्टीप्लाई हो किससे 20 से। इसको लिखेंगे 94/100 इंटू यहाँ पे होगा 20, क्योंकि डेसिमल के यहाँ पे 2 डिजिट है, इसके नीचे हमने डाला है 100। यहाँ पे एच इक्वल्स ये बन जाएगा 188/10, यहाँ पे होगा 10। हाइट जो बनेगा ये बनेगा 18.8 क्या बनने वाला है मीटर्स। नेक्स्ट पूछा है मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर सकता है, बोला गया। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे ये हो जाएगा दैट इज ए सी, ये हो जाएगा एच प्लस कितना है 2, दैट इज 18.8 प्लस कितना मीटर रहेगा 2। तो इनको ऐड कैसे करना है, दैट इज यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 8 0 1, ये बन जाएगा यहाँ पे 20.8 मीटर्स, किसके बराबर रहेगा ए सी के बराबर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट, लेट्स से हमारा एयरपोर्ट यहाँ पे, द पायलट पायलट के तो ऑफकोर्स हवा में रहेगा, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कहाँ पे, नीचे के तरफ देख रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बना रहा है दैट इज 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर यहाँ पे क्या बोला, द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 2। तो हम लोग को सबसे पहले चीज स्पीड दिया गया 200 किलोमीटर पर आवर, इसका हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसे मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे होगा π/18 m/s। अभी कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, आवर इज 3600, यहाँ पे क्या होगा सेकेंड्स। फिर ये 10 और ये कैंसिल, यहाँ पे होगा 5 और नीचे क्या आएगा 18। ठीक है, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा करके। तो डिस्टेंस जो रहता है
ये बन जाता है स्पीड इनटू यहाँ पे होगा टाइम, तो स्पीड जो है ये आएगा 200 इनटू इधर होगा 5/18 इनटू यहाँ पे होगा 54। 18 यहाँ पे कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, ये बन जाएगा दैट इज 3000 क्या बनेगा मीटर्स। तो ये जो पार्ट है ये कितना है, 3000 क्या है मीटर्स। फाइंड द हाइट बोला है, हाइट मतलब बेसिकली ये ढूंढ के निकालना है एच। क्लियरली दिख रहा है, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री दिया, दैट इज 20, तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ पे पी बी ये क्या आएगा, दैट इज हाइट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज प्लेन। ए जो रहेगा दैट इज क्या रहेगा, एयरपोर्ट। पी जो रहेगा दैट इज क्या है, पायलट। ओके, इसको हमने क्या लिया था, एच यहाँ पे दैट इज एपी, ये क्या रहेगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम यहाँ पे क्या होगा एयरपोर्ट, विच इज हमने अभी कैलकुलेट किया कितना था, 3000 मीटर्स। तो यहाँ पे ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस है तो इन ट्रायंगल पहले मेंशन करना, पी बी ए टैन थीटा आएगा ऑपोजिट अपॉन क्या आएगा एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या होगा पी बी, एडजेसेंट साइड यहाँ पे होगा ए बी। लेकिन अगर आप देखोगे कि ए बी का यहाँ पे कोई यूज नहीं, तो टैन थीटा यूज ही नहीं करना है, हमें दिया कि हाइपोटेन्यूस दिया, तो यहाँ पे हम लोग यूज क्या करेंगे, साइन थीटा। 90% टाइम्स इधर हिंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो यूज करके आप दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे फिर आएगा ऑपोजिट अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा पी बी अपॉन क्या होगा पी ए, यहाँ पे होगा साइन ऑफ 20 विच इज यहाँ पे होगा पी बी, पी बी क्या होगा एच अपॉन पी ए, पी ए कितना है 3000, एच इक्वल्स यहाँ पे 3000 जो है ये मल्टीप्लाई होगा साइन 20 से, एंड साइन ऑफ 20 वॉज 0.342। फिर यहाँ पे ये बन जाएगा 3000, ये बन जाएगा 342, यहाँ पे डेसिमल का कितना है, 3 नंबर्स है, तो 1, 2, 3 कैंसिल, और यहाँ से भी 3 जीरोस क्या होगा कैंसिल आउट होगा। इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 102 क्या होगा 6। तो हमारा हाइट जो है प्लेन का वो कितना था, 1026 मीटर्स कहाँ पे था, ऊपर था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके रखना, इससे हम लोग का सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी मैंने कवर अप कर लिया इसमें, एंड जो 6.2 के जो क्वेश्चन है एंड प्रॉब्लम सेट के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है सब मैंने कवर अप कर लिया है। तो इतना एटलीस्ट ढंग से करके रखना, दैट इज फॉर आज के एग्जाम के लिए। बाकी का जो रिमेनिंग जो हॉट्स क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वर्ड प्रॉब्लम्स का, ये हम लोग आगे 2 लेक्चर्स में मैं इसको अपलोड कर दूंगा।